हेलो ब्राइट स्टार ऑफ माय कंट्री। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने कैसे बेसिक नेचर डिसाइड करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस कंपेयर करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। और अब उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब आज भी के लेक्चर में हम बेसिक नेचर ही कंपेरिजन सीखेंगे। हालाँकि फंडा वही है, तरीका वही है, वो जो तीन फार्मूले हमने आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो तीन मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर लेना, एटम अलग अलग हैं तो तीन मेथड में से कोई मेथड यूज कर लेना, बेसिक एटम और ग्रुप सेम है तो भी आप कोई भी तीन मेथड बताया था आपको, है ना। हालांकि वो दो मेथड दोनों में ही कॉमन है, और चौथा मेथड अगर आपको प्रैक्टिकल डेटा पता हो तो उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, और जो बचे हुए एग्जाम्पल वो हमारे सिलेबस में जो हैं वो है एमाइंस की बेसिसिटी और एरोमेटिक एमाइंस की बेसिसिटी, एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस, इनकी बेसिसिटी कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर कंपैरिजन या रिलेटिव बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस एमाइंस को आप कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया से जो डिराइव करते हैं उनको एमाइंस कहते हैं। जैसे अमोनिया का है ना, ये अमोनिया है, अब इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक आर ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा आर एन एस टू। ये एक अमाइन है, दो हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा आर टू एन एच, तीन हाइड्रोजन हटा दो, तीनों हटा के तीन आर लगा दो तो बन जाएगा आर थ्री एन। ये कहलाता है वन डिग्री, ये कहलाता है टू डिग्री, ये कहलाता है थ्री डिग्री, और ये तीनों में आर एक एल्काइल ग्रुप है ना, या एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, तो इसको इन सबको कहा जाता है एलिफैटिक एमाइंस। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी एमाइंस है, याद रखिए। ऐसे ही मैं आपको बात करूं, अगर इसके हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करें और वहां पर एरोमेटिक ग्रुप लगा दें, जैसे पी एच एन एस टू लगा दें, है ना, पी एच एन एस टू, आप दो हाइड्रोजन हटा के दो पी एच लगा दें, तीन हाइड्रोजन हटा के तीन पी एच लगा दें, पी एच थ्री एन, तो इनको भी हम एमाइंस ही कहते हैं, लेकिन ये सारे एरोमेटिक ग्रुप लगे हैं तो इसका नाम होता है एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है, ये आपका वन डिग्री, ये टू डिग्री, ये थ्री डिग्री, ये सारे एरोमेटिक एमाइंस। तो अब कुल सात कंपाउंड हो गए, एक तो तीन तो हो गए एलिफैटिक एमाइन, तीन एरोमेटिक एमाइंस। अच्छा, एक एरोमेटिक रिंग लगा हो तो प्राइमरी, दो एरोमेटिक रिंग लगा हो तो सेकेंडरी, तीन एरोमेटिक लगा हो तो टर्शरी एरोमेटिक एमाइंस। ओके, और एक ये माई बाप अमोनिया। अब अगर हम बात करूँ इनकी बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये तीन आर है, तीन प्लस आई, ये दो आर है तो दो प्लस आई, टू प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे वन प्लस आई एंड प्लस आई क्या करता है, बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। दो प्लस आई है तो बेसिक नेचर को ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, तीन प्लस आई है तो बेसिक नेचर और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट जीरो मानते हैं, ना बेसिक नेचर को इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर पी एच है, पी एच को हम माइनस आई मानते हैं, और ये बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है। एक और बात,
नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बेंजीन से रेजोनेंस भी करता है, तो यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज भी होता है, क्योंकि अगर आप बेंजीन बनाएंगे तो ये ऐसा दिखे। नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज भी होता है, तो एरोमेटिक एमाइंस कम बेसिक होते हैं। दो पीएच लगा दिया तो दो माइनस आई लग गए, यहाँ पर वन प्लस माइनस आई, बेसिक नेचर घटेगा, यहाँ पर टू माइनस आई और साथ में रेजोनेंस, इसका बेसिक नेचर और घट जाएगा, है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका बेसिक नेचर और घट जाता है ना। तो यही है। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हम अगर बात करें, है ना, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट ये तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा ही हो रहा है, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक नेचर ऑर्डर शुड बी क्या होना चाहिए, सबसे अधिक इस 3 डिग्री। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर टू इफेक्ट, बेसिक नेचर ऑर्डर शुड बी सबसे अधिक होना चाहिए इसका R3N का, देन R2NH का, देन RNH2 का, देन अमोनिया का, उसके बाद PHNH2 का, एनिलीन, फिर डाइफिनाइलेमाइन, फिर ट्राइफिनाइलेमाइन, दिस ऑर्डर शुड बी ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पर ड्यू टू सम फैक्टर, अच्छा ये ऑर्डर जो है ये बेसिक नेचर ऑर्डर, तो गैसियस फेज में यही ऑर्डर होता, करेक्ट होता, लेकिन एक्वस फेज में जो बेसिक नेचर ऑफ R3N है इसका घट जाता है, और किसी किसी केस में ये 1 डिग्री एमाइन के से कम हो जाता है, किसी किसी केस में 2 डिग्री एमाइन से ही कम होता है। तो वो दो केस हमारे सिलेबस में है, वो हमें जानना है। तो लिखिए यहाँ पर ये शुड बी दिस, बट दिस ऑर्डर, दिस बेसिक नेचर ऑर्डर इज करेक्ट ओनली फॉर गैसियस फेज, है ना, इन एक्वस फेज बेसिक नेचर ऑफ R3N डिक्रीजेस वेरी मच, कम हो जाती। अब कम होके ये कभी किससे कम हो जाती है, 1 डिग्री से भी कम हो जाती है, ये आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। वैसे आप यहाँ कह सकते हैं सारे एरोमेटिक एमाइन हमेशा कम बेसिक, सारे एलिफेटिक एमाइन ज़्यादा बेसिक होंगे, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक, एलिफेटिक हमेशा ज़्यादा बेसिक होंगे। नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग देखो तो कम बेसिक, बेंजीन नहीं जुड़ा है तो ज़्यादा बेसिक, ये एक फंडा याद रखना। ओके अब जी, तो कुछ कारण से, पहला तो फर्स्ट कारण है कि इसमें नाइट्रोजन में, एक तो इसका वाटर में जब ये बेसिक काम करता है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो उतना कम्फर्टेबल फील नहीं होता, उसका सॉल्वेशन कम होता जितना कि ये लोग कंफर्टेबल फील होते हैं, इसीलिए इसका बेसिक करेक्टर घट जाता है। और एक और करेक्टर है कि इसमें अम्ब्रेला फ्लिपिंग होती है, तो उस चक्कर में भी थोड़ी बेसिसिटी हल्की कम हो जाती है, फॉर मेन रीज़न सॉल्वेशन इफेक्ट ही है। ये रीज़न एक बार हम आगे चर्चा करेंगे, आगे हम बात करेंगे। यहाँ आपको अभी लिखना है कि ये ऑर्डर करेक्ट है सिर्फ गैसियस फेज में,
अगर आपसे पूछा जाए वाटर में, तो इसकी बेसिसिटी किसी केस में इसके पीछे हो जाती है, किसी केस में इसके पीछे हो जाती है। वो कौन कौन सा केस है, तो अगर हमने यहाँ पर, मैं लिख ही देता हूँ, अगर मिथाइल होगा, मिथाइल के केस में ये इससे पीछे हो जाएगा, और इथाइल के केस में ये 1 डिग्री के आगे होता है, 2 डिग्री के पीछे, 3 डिग्री की कम हो जाती है। ओके, तो मैं लिख ही देता हूँ, ये किस पे डिपेंड करता है, बट दिस बेसिक नेचर इज करेक्ट ओनली फॉर गैसियस फेज। इन एक्वस फेज बेसिक नेचर आर्डर ऑफ R3N डिक्रीजेस एबनॉर्मली, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। और वो क्या हो जाता है, आप इसे ऑर्डर लिख लो, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल डेटा लिखा देता हूँ। देखो इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें तो फिक्स होता है, इसमें इस कोई चेंज नहीं है, PHNS2 PS2NH, इसमें सिर्फ चेंज R3N में होता है, सिर्फ यही कम करता है। तो यहाँ लिखना है बेसिक नेचर ऑर्डर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस फॉर डिफरेंट आर ग्रुप, अलग अलग आर ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है एक बात, है ना, एक बात याद रखना कि आर की जगह अगर CH3 होगा या इथाइल होगा तो बेसिक नेचर ऑर्डर कैसे चेंज होता। यहाँ पर बेसिक नेचर ऑर्डर पहले इन वाटर या एक्वस फेज, या तो वाटर लिखा होगा या एक्वस फेज, और दूसरे में इन गैस फेज, मैं कोडवर्ड लिखा रहा हूँ, एक कोडवर्ड याद रखना, इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। मिथाइल का बेसिक नेचर, अगर R की जगह मिथाइल होगा तो बेसिक नेचर ऑर्डर होगा 213N। मैं सिंबल लिखा हूँ, 2 मतलब नंबर जो है ये है सेकेंडरी, 1 मतलब प्राइमरी, 3 मतलब टर्सरी, 3 डिग्री, और N मतलब अमोनिया, मतलब R2NH, RNS2, R3N और अमोनिया, N फॉर अमोनिया। जब इथाइल होता है तो 3 डिग्री की बेसिसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा रहती है, 2, 3, 1, N ये होता। लेकिन गैस फेज में जो होता है वो हमेशा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, हमेशा दोनों का ही सेम। अब वैसे तो आइसोप्रोपाइल, टर्सरी, ब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल, बहुत सारे ग्रुप लिख करके हम बता सकते हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ मिथाइल इथाइल ही है और यही पूछा जाएगा, आपके NCERT में यही मेंस है, इसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे, तो हम इससे अधिक नहीं दिमाग अपना लगाएंगे। ओके, वाटर में ये ऑर्डर याद रखना, बाकी गैस में तो जो है वो ऑर्डर आपको पता है, ये सिर्फ एलिफैटिक एमाइन में चेंज होता है, एरोमेटिक एमाइन तो वैसे ही रहता। एक और बात बताऊँ, साइक्लिक एमाइन में भी ऐसे ही ऑर्डर आता है, साइक्लिक एमाइंस में भी सेम ऑर्डर आता, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऑर्डर आता है जी साइक्लिक एमाइंस में। हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया, सेम आंसर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको देख करके आप बताइए।
जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डिसाइड बेसिक नेचर ऑर्डर इन एक्वस फेज, गैसियस फेज, एंड गैसियस फेज। विथ स्माइली फेस, स्माइली फेस, मुस्कुराते हुए, गुस्से में नहीं करेंगे आप। ओके, गुस्से में नहीं। ओके, पहला फर्स्ट है CS3, माई बाप से स्टार्ट करते हैं, मतलब अमोनिया फर्स्ट, NH3, सेकेंड CH3NH2, थर्ड CH3 होल ट्वाइस NH, नेक्स्ट CH3 होल थ्राइस N। अब आपको बताना है बेसिक नेचर ऑर्डर या आंसर। बेसिक नेचर ऑर्डर इन वाटर एंड बेसिक नेचर ऑर्डर इन गैस, गैसियस फेज। तो चेक करें, जवाब दें। अब यहाँ पर नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच, तो तुरंत याद करो कि वाटर में 213 हम कोडवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाटर में हमें जो कोडवर्ड है ये मिथाइल के लिए 213N है। इसका मतलब 2 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन से एक मिथाइल है तो ये 1 डिग्री, दो मिथाइल होने पर ये 2 डिग्री, तीन मिथाइल होने की वजह से ये 3 डिग्री। तो यहाँ बेसिक नेचर ऑर्डर होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी बेसिक नेचर ऑर्डर आंसर होना चाहिए। सबसे अधिक 2 डिग्री मतलब सी, इसके बाद 1 डिग्री मतलब बी, है ना, ये तो कोड वर्ड है सी बी, और इसके बाद 3 डिग्री मतलब डी, और सबसे कम ए, जी सी बी डी ए, ये आंसर। अब यही केस, सेम क्वेश्चन गैसियस फेज में पूछा जाए तो क्या होता है? गैसियस फेज में क्या हम लिखते हैं? 321N, अर्थात 3 डिग्री पहले होगा। तो 3 डिग्री पहले होने का मतलब है क्या होगा? सी, सॉरी 3 डिग्री तो डी है, डी ही 3 डिग्री है ना, डी फिर सी फिर बी फिर ए, डी सी बी है। ओके, ये था मिथाइल के लिए। सेम क्वेश्चन हम आपसे पूछे इथाइल के लिए, ये अमोनिया, और यहां पे हमने लिखा इथाइल। ये डाइथाइल, ये ट्राइथाइल, ओके, इसका आंसर क्या होता है? इसमें हमें पता है कि इसके लिए हम कोड वर्ड याद करते हैं कि जब इथाइल होता है तो कोड होता है कि 231N, 231N होता है, मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया है। तो अब आप आंसर लिखिए इसका, आंसर, आंसर क्या लिखेंगे? 2 डिग्री मतलब सी, 3 डिग्री मतलब डी, और 1 डिग्री मतलब बी,
ये बी है ना, ए बी सी डी बी, इसके बाद अमोनिया मतलब ए, ये हो गया। इसमें क्या आंसर होगा, विथ 3-2-1 ही होगा, तो इसका होगा डी सी बी ए। एक और क्वेश्चन पूछे आपसे, तीसरा, फिर ये अब ध्यान दीजिए, ये एमाइन साइक्लिक, मतलब जब एल्काइल ग्रुप पीछे से जुड़े हों तो साइक्लिक होता है। तो ये देखो 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं ना डायरेक्ट, 1, 2, 3 हैं तो बहुत सारे कार्बन, पर नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होते हैं डायरेक्टली वही उसकी एमाइंस की डिग्री होती है। तो ये एमाइंस आपका हो गया, चूँकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 डिग्री एमाइन हो गया। और ये 2 डिग्री हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री हो गया। और ये अमोनिया, माई बाप अमोनिया। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, साइक्लिक में तो वही आंसर होता है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ऐसे यहाँ पर भी ए बी सी डी, ऐसे केसेस को आप चाहें तो कर सकते। अच्छा, आप पेपर उठा के देखें, ये अक्सर पूछा गया आपसे, ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाले ये पूछे जाते हैं, ये एमाइंस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे बड़े 3 चैप्टर होते हैं, सबसे बड़े आपके 3 बड़े चैप्टर होते हैं, एक जीओसी, और एक होता है आइसोमेरिज्म, और एक होता है हैलोजन डेरिवेटिव। इसके ख़त्म होते हैं, और एक नॉमिनलेचर छोटा चैप्टर थोड़ा, वो भी बड़ा ही होता है। इन 4 चैप्टर पढ़ने के बाद टोटल 12 चैप्टर जो हैं, मतलब यूँ समझो सारे चैप्टर के 80% पार्ट खत्म हो जाते, सिर्फ 20% पार्ट रह जाते, कुछ कुछ चैप्टर तो पूरा ख़त्म हो जाता 90-95%। ओके, तो हमें 4 चैप्टर में समय ज़्यादा लगेगा, उसके बाद समय एकदम नहीं लगेगा। तब तक हमें 4 चैप्टर ख़त्म होते पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी।